राजस्थान में पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ ने जमकर तबाही मचाई थी और अब चक्रवाती तूफान तबाही मचाने की तैयारी में है। बड़ी खबर यह है, चक्रवाती तूफान का असर अगले 48 घंटों के भीतर शुरू हो सकता है। राजस्थान के किन किन जिलों में इस तूफान का असर होगा, लेकिन उससे पहले तूफान से जुड़े तीन बड़े अपडेट आपको दे दूं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट, कल गुजरात और पाकिस्तान से टकरा सकता है तूफान। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तूफान को लेकर समीक्षा बैठक की है। और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, बिपरजॉय तूफान से रेल सेवा प्रभावित हो चुकी है। पश्चिमी रेलवे ने तूफान के कारण 67 ट्रेनें रद्द कर दी है। और देखिए, राजकोट में 14 और 15 जून को सभी स्कूलों की छुट्टियां रहेगी। चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के तटीय जिलों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इन जिलों में रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। बड़ी अपडेट ये भी है, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 14 जून की शाम या फिर 15 जून की सुबह ही चक्रवात गुजरात और पाकिस्तान से टकराएगा। तट से टकराने के बाद चक्रवात गुजरात के हिस्सों में डीप डिप्रेशन और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में लो प्रेशर एरिया का रूप में कन्वर्ट होगा। ऐसे में इस चक्रवात से राजस्थान में नुकसान होने की आशंका बहुत कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान पहुँचने तक इस चक्रवात की हवाओं की स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन नमी का लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण दो दिन तक कई जगहों पर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में 15 जून को इस सिस्टम के असर से आंधी बारिश की गतिविधियां दोपहर के बाद शुरू हो जाएगी। जोधपुर उदयपुर संभाग के जिलों में 16 जून को कहीं कहीं पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी दर्ज की जा सकती है। और 17 जून को भी इस सिस्टम का असर जोधपुर उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। इस चक्रवात का असर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में देखने को मिल सकता है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के बाकी जिलों में भी तूफान बिपरजॉय की वजह से बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे दूं, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम के जिलों में इस तूफान का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। और बड़ी खबर यह भी है, जैसे ही ये तूफान गुजरात के तटों से टकराएगा, उसके बाद जब ये तूफान आगे बढ़ेगा, उसके बाद और ज्यादा स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि यह राजस्थान के और किन हिस्सों में अपना प्रभाव डालता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में देखने को मिलेगा। और राजस्थान में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। आगे जो भी मौसम विभाग से कोई नई अपडेट या नई जानकारी आती है, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा।